हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीएससी यूट्यूब चैनल। क्या हाल है बच्चों? गौरव, अरित्रा, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। माई सेल्फ अजय सिंह, मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस से, 20+ एनटीएससी स्कॉलर को मेंटर कर चुका हूँ, 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं डेली आप लोगों को 9:30 4 PM एंड 9:30 PM मिलता हूँ, ठीक है। मैथ्स एंड मेंटल एबिलिटी फॉर एनटीएससी एन एन एस सी जी एस के लिए, ठीक है। अगर आप अन अकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड ASSIRLIV आप यूज़ कीजिएगा, आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अन अकेडमी ज्वाइन करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? डेली लाइव क्लासेज होती हैं, लाइव टेस्ट पीजेज होते हैं, टाइम टू टाइम कॉल कंडक्ट होते रहते हैं। आप घर बैठे अपने आप को ऑल इंडिया लेवल पे कंपेयर कर सकते हैं, ऑल इंडिया लेवल पे अपने आप को कम्पीट कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये है कि आप जिस भी एजुकेटर से आप चाहें उस एजुकेटर से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस होगा, दैट मीन्स किसी भी एग्जाम को ध्यान में रख के डिजाइन किया हुआ सिलेबस आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का बेनिफिट उठाने के लिए बच्चों करना क्या होगा, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना टारगेट जो है वो NTSC एंड फाउंडेशन सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जो बच्चा अभी 9th to 10th मूव कर रहा है मैं उसको रिकमेंड करूंगा 12 मंथ का प्लान ले, और जो बच्चा अभी 8th to 9th मूव कर रहा है मैं उसको रिकमेंड करूंगा 24 मंथ का प्लान ले, ठीक है। बेनिफिट्स क्या हैं? जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ मंथ्स इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे आपका पर मंथ कॉस्टिंग कम होता जा रहा है, ठीक है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं ये जो आपका कॉस्टिंग है ये 47 रुपीज पर डे आपका हो रहा है, ओनली 47 रुपीज पर डे आपका, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन आगे जाए तो ये जो भी पर डे कॉस्टिंग है ये आपका बहुत कम होता जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप पेमेंट करते समय मेरा रेफरल कोड ASSIRLIV अगर आप यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा। अगर मेरा रेफरल कोड यूज करते हुए अगर आप 12 या 24 मंथ का प्लान लेते हैं तो आपको NTSC एंड NSCGS का फुल आपको सिलेबस एंड कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा सारे सब्जेक्ट का, ठीक है बच्चों। हेलो पीयूष, हेलो यश, जया, आर्यन, जमील, संतोष, अनिमेश, अच्छा हूँ बेटा, हेलो अंशुल, अनुज, गौरव, चलो 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 तो स्टार्ट करें आज का सेशन, अपन स्टार्ट करें बच्चों, चलो चलो ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम हेलो ऋतुराज, हाउ आर यू, हेलो यशु अग्रवाल, सत्यनारायण गुड मॉर्निंग बेटा, निधि गुड मॉर्निंग, अरित्रा गुड मॉर्निंग, चलो स्टार्ट करें, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, आज हम कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशल नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ नंबर्स की यूनिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं, जो प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। उनका क्योंकि ये किसी ना किसी मैथमेटिशियन ने ठीक है बनाई थी ये प्रॉपर्टीज जो भी थी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, हेलो 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 कार्तिक, हेलो फ्लोरिना, हाउ आर यू बच्चा, हेलो सत्यनारायण रेडी, बी ओके, बी हेलो हेलो अहान सोरिया, अच्छा हूँ बेटा, अनुज बी या ए, ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बच्चों मैं आपके समस्या सुलझा देता हूं। पहले आप मुझे एक चीज बताइएगा, AQ+BQ+C³=3ABC कब होता है, फटाफट से मुझे बता दीजिए। हेलो समर्थ, हाउ आर यू बेटा, हाउ आर यू,
फटाफट से मुझे बता दीजिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc कब होता है, फटाफट से मुझे बताइए। वेरी गुड अंशुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ध्यान से देखिए, ये चीज हम सबको याद है, ये तब इक्वल होगा जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, ये हम सब लोगों को याद है। बट एक कंडीशन और है, 99% लोग ये याद रखते हैं और 1% लोग एक चीज और याद रखते हैं, जब a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c होगा, जब a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c होगा तब भी ऐसा फॉलो होगा, तब भी ये कंडीशन होगी। आई बात समझ में? ये दोनों कंडीशन के अंदर ये आपकी आइडेंटिटी ट्रू है, दोनों कंडीशन में आपका आइडेंटिटी ट्रू है। अब यहां पे फोकस कीजिए, ये आपका नेचुरल नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर, ठीक है। और नेचुरल नंबर का सम कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कभी भी 3 नेचुरल नंबर का सम जीरो नहीं हो सकता, तो ये वाला आइडेंटिटी आपका अप्लाई नहीं होगा। आई बात समझ में? तो आपका बचा क्या, सिर्फ A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C बचा। दैट मीन्स ये जो आपका नंबर है K इज इक्वल्स टू 3a³ बना, दैट मीन्स K बाई 3 विल बी ए परफेक्ट क्यूब, K बाई 3 विल बी ए परफेक्ट क्यूब। ओके अबेस, ठीक है। तो यहां पे आप एक काम कर लीजिए, डिवाइड बाई 3 करके देखिए कौन सा आपका नंबर परफेक्ट क्यूब निकल के आ रहा है, ठीक है, कौन सा नंबर आपका परफेक्ट क्यूब आ रहा है। तो आई थिंक दिस नंबर इज परफेक्ट क्यूब, दिस नंबर इज परफेक्ट क्यूब, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों, कैसा गया अभिस, अभिस, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, आज तक आप लोगों को सिर्फ ये पता होगा, अब आज के बाद ये कंडीशन भी याद रखिएगा, आज के बाद ये कंडीशन भी याद रखिएगा कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है तो भी होगा, और a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c है तो भी ये कंडीशन होल्ड करेगा। आई बात समझ में, क्लियर है। अच्छा, इस नंबर से मेरे को कुछ एक नंबर याद आता है, आप लोगों को पता है ये नंबर बहुत यूनिक नंबर है, आपको ये नंबर पता है बहुत यूनिक नंबर है, कोई इस नंबर के बारे में प्रॉपर्टी बता सकता है? हेलो 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 विजय राणा, हेलो, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, रामानुजम नंबर। वेरी गुड वेरी गुड, रामानुजम नंबर। क्या यूनिक है इस नंबर के बारे में, क्या यूनिक है इस नंबर के बारे में, ये टैक्सी नंबर था, ये एक टैक्सी नंबर था, ये एक टैक्सी नंबर था, क्या था, टैक्सी नंबर। वेरी गुड समर्थ, गलत बोल रहा है बेटा, 10³ + 9³ = 12³ + 1³। तो फटाफट से अगला क्वेश्चन कीजिएगा, फटाफट से अगला क्वेश्चन कीजिएगा, बहुत समझदार बच्चे हो आप लोग, फटाफट से अगला क्वेश्चन कीजिएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड अंशुल, वेरी गुड वेरी गुड। अरे बच्चा वो टैक्सी नहीं चलाता था निधि, वो जिस टैक्सी में रामानुज से मिलने गया था ये उस टैक्सी का नंबर था। हेलो समर्थ, बंदर मत ले क्या। बिल्कुल सिसोदिया सर, चलो 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 चलो, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए इसका आंसर बताइए। हेलो जय, अब इसका आंसर बता, तब वो बीमार थे, टीबी था उनको। हाँ प्रथमेश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, हेलो ऋतुराज, हेलो सृजन, क्या हाल है बेटा, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा चलो एक बात बताइए बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट देके सेम चीज मैं पूछ सकता हूं आप लोगों से। चलो इसका अगर आंसर आपका 19 है, अगर आपका इसका आंसर 19 है,
तो बच्चों मुझे बताओ फिर इसका क्या आंसर होगा, अगले का क्या आंसर होगा, फटाफट फटाफट अगले का आंसर बता दो, और फिर दोनों को कंपेयर करो फर्क क्या है, फिर दोनों को कंपेयर करो फर्क क्या है। अगर पिछले का आंसर 19 है तो इसका आंसर क्या है? नहीं, दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है, इसका आंसर 19 है, इसका आंसर 19 है। इट कैन बी रिटन एज 12³ + 1³ = 10³ + 9³ = 1729। तो ये आंसर आपका 19 आएगा, यहां पे आंसर क्या आएगा 19। फर्क बताता हूं क्या है, यहां पे आपने ए बी सी डी नेचुरल लिया है, यहां पे आपने ए बी सी डी नेचुरल नंबर लिया है, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ए बी सी डी आपका इंटीजर था, यहां पे जो नंबर आएगा स्मॉलेस्ट नंबर, ध्यान से सुनिएगा, दैट स्मॉलेस्ट नंबर इज 4³ + 3³ = 6³ - 5³ = 91। क्या होगा? 91 होगा। आई बात समझ में? ठीक है, ध्यान से सुनना, यहां पे अगेन के आपका नेचुरल नंबर है, यहां पे आपका के अगेन आपका नेचुरल नंबर है। आई बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो आपको अगर 1729 के बारे में पता होना चाहिए तो आपको 91 के बारे में भी पता होना चाहिए, आपको 91 के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, 91 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच कैन बी रिटन एज सम ऑफ 2³ इन 2 डिफरेंट वेज, एंड 1729 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी रिटन इन द सम ऑफ 2³ इन 2³ ऑफ नेचुरल नंबर। आई बात समझ में? क्लियर है इस चीज का? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, ठीक है, तो ये भी नंबर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें बेटा ऑब्जर्वेशन से निकाली गई हैं। ठीक है, क्लियर। चलो और कोई बताते हैं, ठीक है, क्लियर है। ओके, अगला ये क्वेश्चन कीजिएगा, फटाफट से कीजिएगा। इन चीजों को बच्चों लिख लीजिएगा, 1729 वाज रामानुज नंबर बट 91 अलग है। क्या हुआ अभिष? अभी बताएंगे जमील, अभी बताएंगे बेटा, चिंता क्यों करता है, चिंता क्यों करता है। हो, प्रथमेश, प्रथमेश गलत जवाब, गलत जवाब। अरे समर्थ वापस मत जा बेटा, प्रथमेश इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा, मिनिमम पूछा गया बेटा, मिनिमम पूछा गया। लाखों में क्यों बातें कर रहे हो आप? और प्लीज 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 एएमजीएम मत लगाइएगा, एएमजीएम मत लगाइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। एएमजीएम हमेशा रियल नंबर पे अप्लाई होता है, रियल नंबर पे अप्लाई होता है, यहां पे आपको 2 नेचुरल नंबर बोला गया है। ठीक है, इतनी आसान चीजें थोड़ी ना दूंगा कि आप एम जी एम लगा लो, अंडर रूट करके आंसर लगा दो, फैक्टराइज करने का जरूरत नहीं है, बहुत आसान चीज है बच्चों, बहुत आसान चीज है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एक्स मल्टीप्लाई विद वाई इज इक्वल टू 12, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई बताओ मुझे, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई बता दो, फटाफट बता दो, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई बता दो मुझे।
वेरी गुड आर्यन। देखो हम क्या करते हैं, पहला नंबर 12 हो सकता है, यहाँ पे 1 हो सकता है तो आपका सम आएगा 13, फिर आपका आएगा 3 एंड 4 आएगा तो सम आएगा 7, 6 एंड 2 आएगा तो आएगा 8। यही तीन पॉसिबल केस है, यही तीन पॉसिबल केस है शायद 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर मान लो मैंने x इंटू वाई का वैल्यू 18 ले लिया, मान लो मैंने x इंटू वाई का 18, अरित्रा बेटा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ध्यान से देख, x इंटू वाई का वैल्यू 18 ले लिया तो ये बनेगा 1 और 18 18 19 बन जाएगा, 2 और 9 11 बन जाएगा, 3 और 6 9 बन जाएगा, 1 2 3 4 से होगा नहीं, आई थिंक ये तीन केस बनेंगे, ये क्या बनेंगे, तीन केस बनेंगे। ठीक है, इसी टाइप से अगर मैं बात करूं, कोई एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, लेट सपोज x इंटू वाई इज इक्वल टू 36 एक बार ले लेते हैं, 36 एक बार ले लेते हैं। ठीक है, तो 36 1 2 और 18 3 और 12 4 और 9 6 एंड 6 आई थिंक यही होगा बच्चों, यही होगा। ठीक है, क्लियर है, यहां पे सम 17 आएगा, यहां पे सम 36 आएगा, यहां पे सम 13 आएगा, यहां पे सम 12 आएगा, क्या आएगा 12 आएगा, हर जगह नेचुरल नंबर बोल रहा हूं, हर जगह नेचुरल नंबर बोल रहा हूं। ठीक है बच्चा, ब्राइट भक्ति, हाँ पॉजिटिव के लिए लगता है मैंने कम बना किया, ठीक है पॉजिटिव के लिए लगता है बेटा। अब सुनना हो क्या रहा है, यहां पे मिनिमम वैल्यू आपका तभी आ रहा है जब उनके फैक्टर्स का डिफरेंस मिनिमम था, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आपका मिनिमम वैल्यू तभी निकल के आ रहा है जब उनके फैक्टर्स का सम, सॉरी फैक्टर्स का डिफरेंस मिनिमम था। ठीक है, ऋतुराज उसी पे आएंगे, उसी पे आएंगे, उसी पे आएंगे। ब्राइट भक्ति बेटा ऊपर क्या लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में, जब उनका डिफरेंस मिनिमम होगा तभी जाके उनका सम मिनिमम आएगा, आई बात समझ में, क्लियर है, क्लियर है। अब यहां पे ध्यान से देखना, ये जो आपको नंबर दिया हुआ है, ये जो आपको नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 -169 -169। आई बात समझ में, ठीक है बच्चा, तो ये बनेगा 10 2 3 4 पे स्क्वायर -13 स्क्वायर, ये बनेगा आपका 1034 +13 मल्टीप्लाई विद 10000 -13। ठीक है, क्लियर है। ब्राइट शक्ति बेटा वो आपका पॉजिटिव नंबर के लिए अप्लाई होता है जिसके अंदर आप रैशनल और इरेशनल नंबर भी ला सकते हो, ठीक है, बट यहां पे आपको नेचुरल नंबर दिया गया है। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है। ठीक है, इनको फैक्टराइज करने पे ये दो नंबर बनेंगे और इन दोनों का मिनिमम डिफरेंस ही 26 होगा, तो आंसर विल बी 20,000, आंसर विल बी 20,000। आई बात समझ में, क्लियर है। ठीक है, बिल्कुल, इसमें मिनिमम डिफरेंस विल बी 26 होगा। ठीक है, क्लियर है, इसमें मिनिमम डिफरेंस विल बी 26 होगा। ठीक है, कैसे, चलो कोई बात नहीं, अब एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, आप एक काम करो, कोई भी दो नंबर लेके देखो, कोई भी दो नंबर लेके देखो, सुनो सुनो सुनो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चा, अब यहां पे देखिएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का वैल्यू 5 + 4 मल्टीप्लाई विद 5 - 4 आएगा। ठीक है, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आई थिंक 7 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। ठीक है, कब बनेगा ये मिनिमम, इसी केस में तो बन रहा है। आप एक नंबर और लो जो डिफरेंस, लाइक अपन ले लेते हैं 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर ले लेते हैं, 36 आएगा बच्चों, क्या आएगा 36, ध्यान से देखो, फटाफट देखो, फटाफट देखो, गौरव बेटा ए एम एच एम इनका बता ही नहीं रहा ना मैं तो बेटा,
सिंपल, मैं नेचुरल नंबर पे काम कर रहा हूं। अगर आप इसका वैसे कैलकुलेट करने जाओगे, इट विल बी दिस, क्या दिया हुआ आपको, 2, 3, 4, 5, 831। बट ये भी नेचुरल नंबर सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है, क्योंकि दो नंबर नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट और सम कभी भी एक इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना आपको। यहां पे एम जी एम लगाने का कोई सेंस है ही नहीं, एम जी एम आपका तभी अप्लाई होगा जब वो आपका कंटिन्यूस नंबर में चला जाएगा, ठीक है बच्चा, ठीक है। चलो अगला कीजिए। चलो अभी एक चीज ध्यान रखिएगा, आपने ये फुजीवारा, एम फुजीवारा का नंबर सुना बच्चों, नाम सुना है कभी भी आपने, फटाफट देखो, फटाफट देखो, एम फुजीवारा का नाम सुना है कभी आप लोगों ने, अरे ऋतुराज दोनों को ऐड किया है, दोनों को ऐड किया है, दोनों को ऐड किया है। चलो अच्छा, रामानुजम का नाम सुना है, रामानुजम का नाम सुना है, ओके। ये भी एक मैथमेटिशियन थे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इन नंबर्स जो आपके सामने नंबर लिखे गए हैं ना, ये भी एक मैथमेटिशियन नंबर थे, और ये सारे के सारे नंबर को भी अपन फुजीवारा नंबर भी बोलते हैं। 1729 के बारे में आपने सुना होगा, ये रामानुज नंबर भी है, ये रामानुज नंबर भी है, और ये 1729 जो है फुजीवारा नंबर भी आपका होगा, ठीक है। इन नंबर्स में, पूरे नंबर सिस्टम में, पूरे नेचुरल नंबर्स में सिर्फ चार नंबर ऐसे हैं, बिल्कुल जापानीज है, चार नंबर ऐसे हैं जिनका डिजिट सम एंड रिवर्स ऑफ डिजिट सम का प्रोडक्ट निकल के ये आएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे अगर मैं करता हूं 1458 18 मल्टीप्लाई विद 81 इज इक्वल्स टू दिस नंबर, 19 मल्टीप्लाई विद 91 इज इक्वल्स टू दिस नंबर, 9 इंटू 9 इक्वल्स टू दिस नंबर, एंड 1 इंटू 1 इंटू इज इक्वल्स टू दिस नंबर, ठीक है। पूरे नेचुरल सिस्टम में सिर्फ ये चार नंबर है जो फुजीवारा नंबर से फेमस है, इन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या थी कि कोई भी नंबर लो, उसका डिजिट सम करो, रिवर्स ऑफ डिजिट करो, उनका प्रोडक्ट वही नंबर निकल के आएगा, बिल्कुल 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 है, समर्थ 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 बेटा, 8 into 8 इज इक्वल टू 64 होता है, बट 6 + 4 = 10 होता है, रिवर्स करेंगे 0 1 होता है, तो ये 10 आता है, 64 कहां से आ गया ये, ठीक है ठीक है। यहां पे देखो, मैंने डिजिट सम किया बच्चों, डिजिट सम किया, 8 + 1 = 9, 9 का रिवर्स 9, 9 into 9 = 81, ठीक है। यहां पे देखो, डिजिट सम किया मैंने 18, रिवर्स किया 81, 18 into 81 इज 1458, ठीक है। यहां पे किया मैंने 19, 19 का रिवर्स 91, प्रोडक्ट किया 1729। तो अभिष बेटा, आपको यह भी तो प्रूफ करना होगा ना, ये प्रॉपर्टी आप कहां तक लॉन्ग लास्टिंग रह सकती है आपकी, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो इस नंबर के बारे में मतलब ये अपने दो जगह पढ़ा, ठीक है, आज हमने दो चीजें पढ़ी थी। पहली चीज 17219 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, नेचुरल नंबर, विच कैन बी रिटन एज सम ऑफ 2 क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर इन टू डिफरेंट वे, इन टू डिफरेंट वे, आई बात समझ में, क्लियर है। 91 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी रिटन एज टू डिफरेंट क्यूब इन टू डिफरेंट वे, वहां पे इंटीजर था, यहां पे नेचुरल नंबर था, फिर हमने फुजीवारा, ठीक है ठीक है ठीक है। बेटा एक काम करो, आप उनकी बुक्स आए वो आप पढ़ो, अरित्रा रामानुज की बुक्स पढ़ो आप, ठीक है ठीक है। तो गौरव यादव बेटा आप सर्च कर लो, सर्च कर लो,
ठीक है। अरे प्रथमेश, गौरव वही कह रहा हूं बेटा, आप सर्च कर लो ना और नंबर्स को। ठीक है बच्चा, ठीक है। तो रामानुजम, फुजीवाड़ा, इनके बारे में नहीं, देखो इनके बारे में मतलब नॉलेज होना चाहिए। अभी आपके यहाँ पे तो शायद एग्जाम पे नहीं पूछा जाता है, बट काफी और एग्जाम्स हैं जहां पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिल्कुल 1729 एक यूनिक नंबर निकला है, ठीक है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चा, ठीक है, तो इनको एक बार लिख लीजिएगा। नहीं आ रही है ना एनटीएससी में, तो क्यों पूछेगा वो, एनटीएससी में क्यों पूछेगा वो। ठीक है, तो कोई नहीं जमील, अपन वापस आएंगे ट्यूसडे को, अपना ये सीरीज ट्यूसडे एंड सैटरडे रहता है। हाँ बिल्कुल, हमारी मैथ्स जापानी है बेटा, सीजीएल में तो इतना लेवल आता ही नहीं है बेटा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अपन, जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है बच्चों, ठीक है, और अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं तो रेफरल कोड है ASSIRLIV, आप इसको यूज कीजिएगा, आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, चलो।